हाँ जी सत श्री अकाल जी, तुहाडे अपने प्यारे चैनल स्टडी बाहर प्रीत विद तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अज एक बहुत ही जो वड्डी भर्ती आउट कर दी गई है जिंदे विच 10वीं 12वीं ग्रैजुएशन जो डिप्लोमा वाले कैंडीडेट ने अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग जो पोस्टां आउट कीतियां गईयां ने, 10वीं दियां अलग, 12वीं दियां अलग, ग्रैजुएशन दियां अलग, डिप्लोमे दियां अलग पोस्टां आउट कीतियां गईयां हन। तो किस तरह अपलाई करना, की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, की क्वालिफिकेशन, इस सारी जानकारी इस वीडियो दूंगा। तो कृपा करके वीडियो में पूरा जरूर देखना। चैनल से पहली बार तो चैनल कर लो सबसक्राइब। तो शुरू करते हैं अज की वीडियो में। ये जो भर्ती आउट की गई है SSC वालों आउट कर दी गई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वालों आउट कर दी गई है। फेज 10 जो सिलेक्शन पोस्ट आउट की गई है जी, डेट अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टार्ट हो गए हैं जी 12 मई 2022 तो स्टार्ट हो गए हैं। तो लास्ट डेट हैगी अप्लाई करने की 13 जून 2022। इसमें तुम्हें अप्लाई ऑनलाइन करना, तुम इन्हों की ऑफिशियल वैबसाइट SSC.NIC.in इस पर विजिट करके तो तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट हैगी 15 जून 2022। जो ऑफलाइन चलान की डेट हैगी 16 जून 2022। विंडो एप्लीकेशन फॉर फॉर्म करैक्शन, तुम करैक्शन जो करवा सकते, जो भी तुहाडे फॉर्म में कोई गलती होंगी है तुम करैक्शन करा सकते हो। 20 जून 2022 तो 24 जून 2022 जो करैक्शन करवा सकते हो जेकर फॉर्म में कोई मिसटेक होंगी है। तो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामीनेशन, तुहाडा जो एग्जाम होगा जी अगस्त 2022 होगा। तो तुम फॉर्म अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई करना, तो इंट्रक्शन वगैरह दिखाई ने इस पढ़ लेना। तो एज लिमिट की गल करिए, अलग अलग पोस्टा की जो अलग अलग एज लिमिट रखी गई, किसी वास्ते जो किसी पोस्ट की जो एज लिमिट हैगी 18 से 25, किसी की 18 से 27, तो किसी की 18 से 30 साल। अलग अलग जो दी हुई है जो क्वालिफिकेशन बेस जिमें 10वीं 12वीं ग्रैजुएशन डिप्लोमा वाले इस अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ी अलग अलग जो रखी गई थले दिता सारा कुछ तुम चैक कर सकते हो, तो मैं एंड पर विखा भी देवगा। तो हूँ आप गल करते हैं जो इन एज रिलैक्शन दिता जाएगा, जिमें SC ST 5 साल की छूट, OBC 3 साल की, PWD 10 साल की, PWD OBC 13 साल की, PWD SC ST 15 साल की। इस तरह तुम चैक कर सकते हो कि इंट्रक्शन वगैरह थले दिखाई ने, इस पढ़ लेना अपलाई करने तो पहला, तो उस तो बाद ही अपलाई करना। तो लास्ट डेट हैगी 13 जून 2022, इस पहले पहले तुम अपलाई कर लेना है। इतने ने लिखे है हाउ टू अपलाई, अपलाई तुम किस तरह करना, जो सारा कुछ इतने मैनशन किया चैक कर सकते हो। तो बहुत ही वड्डी जो भर्ती आउट कर दी गई है, जो भी एलिजिबल कैंडीडेट है ने अपलाई करना चाहते हैं अपलाई कर सकते। एप्लीकेशन फीस जो रखी गई 100 रुपये रखी गई है। बाकी जो वूमेन कैंडीडेट होगी, जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, इन्हों वास्ते कोई फीस नहीं रखी गई है। बाकी सारा कुछ इतने ने दिता है, तुम चैक कर सकते हो। सेंटर जो एग्जाम तुहाडे रहने वाले ने सारा कुछ अपना जो दिता है, जिवें अपना है नॉर्थ वैसट रीजन आ गया अपना, जो 7 नंबर ते अपना आ गया जिवें नॉर्थ वैसट रीजन। ये तुम अपलाई करोगे थले सारा कुछ कोड भी दिते हुए ने अपने, अलग दिते हुए नॉर्थ वैसट रीजन के, नॉर्थ रीजन के अलग दिते हैं। तुम जिस अपलाई करना चाहते तो वेख सकते हो, सारा कुछ उत्ते थले दिता है सारा कुछ PDF दे, ते PDF तुहानू मिल जाएगा मेरे टैलीग्राम ग्रुप। टैलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन जरूर कर दे, PDF तुहानू मिल जाएगा उत्थे। जिवें नॉर्थ वैसट रीजन की गल करिए, इन्हें अपना पंजाब भी आ जाता बच्चे, तो इन्हें जो अपने सेंटर रहनगे अमृतसर हो गया, जलंधर हो गया, लुधियाना, पटियाला, 4 रहनगे अपने जो पंजाब स्टेट में। तो सारा कुछ इतने दिता है, जो अपना नॉर्थ वैसट रीजन का जो हैडक्वाटर कितने है सारा कुछ इन्हें मैनशन किया, जो चंडीगढ़ में अपना नॉर्थ वैसट रीजन आ जाता है। तो इस तरह तुम चैक कर सकते हो, अलग अलग दिता है एग्जाम, तुहाडा जो स्कीम ऑफ एग्जामीनेशन रहेगा, इतने पैटर्न दिता है, जनरल इंटैलीजेंस हो गया 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होने, जबकि 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनैस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਰਹੇਗੀ 0.50 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਈਚ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ।
जो तुहाडा एग्जाम रहेगा जिवें मैट्रिकुलेशन लैवल का रहेगा, जो भी 10वीं बेस ते अप्लाई कर रहे हैं, ते 10+2 का रहेगा, जो भी 10+2 वाले अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग दिता है, ग्रेजुएशन अलग दिता है थले। इस तरह तुसी चैक कर सकते हो सिलेबस वगैरह। तो थले तुसी स्क्रॉल करोगे जिवें जिथे लिखा NWR नॉर्थ वैसट रीजन, ये अपना जो आ जाता चंडीगढ़ विच, जो अपना नॉर्थ वैसट रीजन अपना आ जाता, ते इत्थे तुसी चैक कर सकते हो, इत्थे पोस्ट कोड दिता है, जरूर तुसी वेख लेना इत्थे अप्लाई करन तो पहला। ते आ गई पोस्ट कोड दे अगे दित्ती पोस्ट नेम, जिवें लबोरटरी अटेंड हो गई, ते क्लीनर दी हो गई, फोरमैन दी हो गई। इत्थे ना एज लिखी हुई सामने, जो लबोरटरी अटेंडेंट दी 18 तो 27 साल। क्वालिफिकेशन रखी गई आईएएस सेकेंडरी, तुहाडी क्वालिफिकेशन रखी गई। तो पोस्ट रखी गई टोटल जो पोस्ट हैगी एक आउट की गई है। इसे तरह तुसी चैक कर सकते हो जिवें हायर हायर मैट्रिकुलेशन हायर ग्रेजुएशन। इस तरह तुसी सारा जो भी है PDF देख लेना, PDF तुहानू मिल जाएगा मेरे टैलीग्राम ग्रुप विच। टैलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन जरूर करे, PDF सारा मैं उत्थे पा दाँगा, तुसी चैक कर सकते हो। तो इतने ना लिखे अप्लाई किस तरह करना सारा कुछ, ना फॉर्म इतने जो PDF दिता है सारा, जिवें अप्लाई तुसी किस तरह करना, जिवें पहला रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी है, सारा कुछ इतने ना मैनशन किया है, तो इतने सारा कुछ ना दिता है, तुसी चैक कर सकते हो। तो यह सी अज की वीडियो, जेकर मन में कोई भी डाउट तो मैं कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।